मुख्यमंत्री कमलनाथ की जनसभा का आयोजन किया गया। फूलबाग पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस समर्थक मिर्ची बाबा भी वहां पहुंचे, लेकिन इस दौरान मिर्ची बाबा की नाराजगी देखने को मिली और उनकी ये नाराजगी उनके आसन को लेकर थी। जब मिर्ची बाबा को पूर्व सीएम कमलनाथ के मंच पर जगह नहीं मिली तो वो रूठ कर जमीन पर ही बैठ गए और नाराजगी जाहिर करते हुए धरना शुरू कर दिया। मिर्ची बाबा की ये नाराजगी मंच पर जगह नहीं मिलने के चलते देखी गई। बाबा की इस नाराजगी को मंच पर बैठे कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित अन्य नेताओं ने देखा तो वे हैरान रह गए। तभी कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह मिर्ची बाबा को मनाने पहुंचे। काफी देर तक रूठने और मनाने का दौर यूं ही चलता रहा, जिसके बाद मिर्ची बाबा को मंच पर जगह दी गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिर्ची बाबा का क्या कुछ कहना है सुनिए। क्या रहे, क्या कारण ऐसे बने जो जमीन पर बैठ के आपने विरोध दर्ज किया यहाँ पर आकर? नहीं, ऐसा है, इसके लिए आप यहाँ के व्यवस्थापक से पूछिए कि कमलनाथ जी ऊपर से नाम देते हैं तो नीचे के लोग उस नाम को क्यों नहीं देते हैं? बस इतना कहूंगा। यहाँ का जो व्यवस्थापक है उनसे बात करिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब इसके लिए मैंने कह दिया, कमलनाथ जी नाम देते हैं संतों का, कमलनाथ जी सम्मान करते हैं संतों का, कमलनाथ जी संतों की पूजा करते हैं। अब यहाँ ग्वालियर का मंच कौन संभाल रहा था उससे बात करिएगा कि वहाँ से ऊपर से नाम आने के बाद में ऐसी क्या व्यवस्था रही जो अखाड़े के महामंडलेश्वर नीचे बैठ गए, बस इतना ही कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगाती है। अब वो अरे भाई सुनिए, वो क्या आरोप लगाती है उस विषय पे मैं बाद में बात करूंगा। मैंने कह दिया है कमलनाथ हमेशा सम्मान करते हैं साधु संतों का, और कमलनाथ के यहाँ से ऊपर से नाम आने के कारण नीचे के लोग नाम क्यों नहीं दे पाए उनसे प्रसन्न करिएगा। आप भी कमलनाथ जी से खुलकर इस बात पे चर्चा करेंगे? मैं कमलनाथ जी से अभी ठीक 9 बजे बात करूंगा फोन पर, और खुल के बात करूंगा, क्योंकि 10,000 साधुओं को लेकर प्रचार कर रहा हूँ। कमलनाथ जी से पूरी ताकत से बात करूंगा, जैसे कफन बांध करके भाजपा से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ऐसे ही कुछ कांग्रेस में जो संत विरोधी पनप रहे हैं उनको उखाड़ फेंक दूंगा। बिल्कुल 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 लड़ाई कराऊंगा, बिल्कुल ताकत से लड़ूंगा। इसके साथ ही बाबा का ये भी कहना है कि वे कमलनाथ से इस अपमान को लेकर बात करेंगे। वहीं बाबा ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह वे कफन बांधकर भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही अब पार्टी में जो तंत्र विरोधी पनप रहे हैं उन्हें अब वे उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ वे पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। समाचार प्लस के लिए ग्वालियर से मोनू राठौर की रिपोर्ट।